जय माता दी। मित्रों, महाशिवरात्रि कब है, यानी कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है या 9 मार्च को महाशिवरात्रि मनानी चाहिए, इसके बारे में शास्त्र के अनुसार आपसे चर्चा करेंगे कि सटीक महाशिवरात्रि को कब मनाया जा सकता है, उसका सटीक वर्णन करेंगे। साथ ही साथ महाशिवरात्रि में किस प्रकार पूजा करें, क्या मुहूर्त है, क्या 4 प्रहर के मुहूर्त है, कौन से मंत्र से हम भोलेनाथ को मना सकते हैं, इस कार्यक्रम में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो है भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। रत्ने कल्पित मानसम हिम जले स्नानम च दिव्यावरम नाना रत्न विभूषिता मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे प्रजुपते हृत्कल्पितम गृहताम। सबसे पहले हम महाशिवरात्रि के मुहूर्त पूजा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि को मनाया जाता है, यानी कि ये महाशिवरात्रि है। वैसे मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि का कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती और शिव का विवाह इस ही शिवरात्रि में हुआ था। उनके शिव जी के गृहस्थ जीवन का जो कि शुरुआत है वो महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। और पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 8 मार्च को चतुर्दशी तिथि शाम को 9:57 से लग रही है और 9 मार्च शाम को 6:17 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। और निशा व्यापनी के अनुसार, क्योंकि शिवरात्रि का जो पर्व होता है मित्रों वो रात्रि कालीन ज़्यादा महत्व करता है, तो निशा व्यापनी के अनुसार देखा जाए तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत पूजा पाठ करना अति उत्तम रहेगा। अब चर्चा करते हैं कि 8 मार्च के दिन तो आप मना रहे हैं, अब 8 मार्च के दिन कैसे पूजा का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। तो महाशिवरात्रि जो होती है वो सबसे बड़ा व्रत होता है। इसको साधु भी मनाते हैं, इसको गृहस्थ भी मनाते हैं, इसको बालक भी मनाते हैं, यानी हर व्यक्ति शिव की पूजा भक्ति में रमना चाहता है। तो इसलिए 4 प्रहर शास्त्रों के अनुसार दिए गए। तो पहला पहर देखा जाए तो शाम को 6:25 से लेकर और रात्रि के 8:28 तक पहले पहर की पूजा है। दूसरे पहर की पूजा के बारे में बात करें तो 8 मार्च को रात को 9:28 से शुरू होगा दूसरा पहर और रात्रि को 12:31 तक दूसरा पहर रहेगा। तीसरे पहर के बारे में बात करें तो रात के 12:30 से लेकर और 3:34 तक, यानी समय पे 9 मार्च लग जाएगी, तो 9 मार्च को रात्रि के समय तृतीय पहर की पूजा होगी। चौथे पहर के बारे में बात करें तो रात के, यानी उस समय पे 9 मार्च लग जाएगी, तो 9 मार्च में 3:34 से लेकर और सुबह 6:37 तक चौथा पहर है। अब आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा कि आपको कौन से पहर की पूजा करनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिव का ध्यान। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्र घृतम पायसम भस्मम पंचविधि पयोदधि युतम रंबा फलम पानकम शाकानाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वल तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ता प्रभु स्वीकरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। अब मित्रों, मैंने जैसा कहा था कि प्रहर के बारे में मैं समझाता हूँ, तो पहले पहर जो मैंने बताया है उसमें जो पूजा होगी वो कुंवारे लोग करेंगे, विद्यार्थी लोग अपने विद्या और अपनी
शादी के लिए कर सकते हैं, विवाह नहीं हो रहा उसके लिए पहले पहर की पूजा करना बहुत लाभकारी है। जो पहला पहर है शाम को 6:25 से 9:28 तक। दूसरा पहर जो होगा वो गृहस्थ के लिए होगा, यानी कि जो गृहस्थ जीवन के अंदर है, जिनकी शादियां हो गई है, तो उनके लिए दूसरे पहर की पूजा अति लाभकारक है। तो दूसरा पहर है रात्रि के 9:28 से लेकर रात्रि के 12:31 तक आपको इस समय पर शिव जी की पूजा करनी है, याद रखिएगा। तीसरा जो पहर होता है वो साधक के लिए होता है, जो साधना करना चाहता है उसके लिए। और जो चौथा प्रहर है वो सन्यासी लोगों के लिए होता है। और चौथा पहर जैसा मैंने बताया रात के 3:34 से लेकर और सुबह अगले दिन यानी 9 मार्च तक 6:37 में ये जो है सन्यासी लोग इस समय पे पूजा करते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पहर है, अलग अलग पूजा का मुहूर्त है। यदि इसमें आप पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन तो आपको विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। अब शिव महाशिवरात्रि के दिन हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रातः काल स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद सबसे पहले आपको मंदिर की गंगा जल से सफाई करनी है, मूर्ति की गंगा जल से सफाई करनी है, ये याद रखिएगा, मंदिर या मूर्ति की जरूर सफाई करनी है। दूसरा, आपको लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर शिव लिंग स्थापित करना है या शिव परिवार स्थापित करना है, शिव का चित्र स्थापित करना है, जो आपके पास है उनको स्थापित कर लीजिएगा। वहाँ पर एक दीपक आप रख दीजिएगा, ठीक है। दीपक को सबसे पहले आपको जलाना, ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोल के दीपक जला लीजिएगा। धूप सुबह आप उठकर आप जला लीजिएगा, याद रखिएगा जब भी आप मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी दक्षिणा ले लेनी है, दक्षिणा 21 रुपये आप ले लीजिएगा, पूरे परिवार का हाथ लगाइएगा और आप संकल्प कीजिएगा कि मैं ये महाशिवरात्रि की पूजा पाठ कर रहा हूँ पूरे परिवार के निमित्त कर रहा हूँ या व्यापार के निमित्त कर रहा हूँ, रोजगार के निमित्त कर रहा हूँ, और हे शंभु हे भोलेनाथ इसको आप जो है स्वीकार करें। तो वो दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा बिना संकल्प के। जो भी आप पूजा करेंगे उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा, एग्जैक्ट जिस इच्छा के लिए आपने पूजा पाठ की है, महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, वो इच्छा जब भी पूर्ण होगी जब आप संकल्प करेंगे। तो आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा जौ तिल भी ले सकते हैं, जौ तिल आप ले लीजिएगा, काला तिल और जौ, और फिर दक्षिणा रख के और आप अपनी मनोकामना मांग के और सबका परिवार का हाथ लगा के आप उस दक्षिणा को रख दीजिएगा। इसके बाद आपका संकल्प चालू हो गया है, और संकल्प जब चालू हो जाता है तो संकल्प तोड़ेंगे तो आपको दंड भी मिलेगा, याद रखिएगा, संकल्प मत तोड़िएगा उस दिन का। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद शंकर जी की पूजा करनी है या शिव परिवार की पूजा करनी है, पंचामृत ले लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप पंचाक्षर मंत्र है, इससे आप पंचामृत से स्नान आप शिवलिंग को करा सकते हैं, शंकर जी की मूर्ति को, शिव परिवार को आपको करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के, एक लोटा पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर केसर डाल के आपको 8 लोटे जल से अभिषेक शिव भगवान का करना है, यानी परात के अंदर शिवलिंग या शिव की तस्वीर, शिव का परिवार रखकर और 8 लोटा जल रख के उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आठों के अंदर केसर डाल के ओम नमः शिवाय 1 लोटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी प्रकार से 8 लोटा जल जरूर चढ़ाना है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको भोलेनाथ को चंदन जरूर चढ़ाना है, बिल्व पत्र आपको चढ़ाना है, भांग आपको चढ़ाना है, धतूरा आपको चढ़ाना है। जायफल होता है विशेष शिवरात्रि के दिन, इससे बहुत अच्छा लाभ होता है गृहस्थ जीवन के अंदर, तो फल जरूर चढ़ा दीजिएगा। यदि पति पत्नी में अनबन रहती है या रिश्तों में खटास रहती है तो मीठा पान भी आप जरूर चढ़ा दीजिए। ये दो चीजें महाशिवरात्रि के लिए अति श्रेष्ठ है। साथ ही साथ आप ये शिव जी पे चढ़ाएंगे, शिव का वही मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप प्रॉपर करते रहिएगा और ये सारी वस्तुएं आप चढ़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी सुबह की पूजा हो गई है। इसके बाद आपको व्रती रखना है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको शाम को पहर के अनुसार पूजा करनी है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणं शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि सति संचारयो पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि शर्वा गिरो
यद्य कर्म करोमि तद्य दखिलं शंभो तव राधनम शंभो तव राधनम। हे शंभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल दे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ गलतियां हैं महाशिवरात्रि के दिन भक्त लोग ना करें तो अच्छा है। वैसे तो हर व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है, जिस वजह से हमारी जो पूजा होती है वो निष्फल होती है। वो मैं छोटी मोटी गलतियाँ आपको बता देता हूँ। पहला, जब भी इसके बाद मैंने जैसा कहा कि इसके बाद आपको शाम को पहर की पूजा करनी है, उस समय पर शिव की कथा पढ़नी है और शिव की आरती करनी है। शिव जी को जो भी आपके घर में भोजन लगा बना है तो वो भोजन आपको क्या करना है, भगवान को चढ़ाना है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ महाशिवरात्रि में और ज़्यादा अगर आप फल लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि यानी 8 मार्च को तो है मित्रों, तो उस दिन आप व्रत पूजा इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि अगले दिन आप ब्राह्मण को कुछ उचित रूप से दक्षिणा या उनको कोई वस्त्र या उनको धोती अगर आप उनके घर में दे के आते हैं तो आपको अति श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो अगले दिन यानी 9 मार्च के दिन भी आपको ब्राह्मण के घर जाके और उनको कुछ ना कुछ आप दे के आइएगा। ये मैं नहीं कहता, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। अब क्या है कि क्या गलतियाँ हो जाती है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या हो जाती है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो काला कपड़ा आपके लिए निषेध है, तो महाशिवरात्रि के दिन काला कपड़ा ना धारण करें, नहीं तो आपका मन बार बार विचलित होता रहेगा, पूजा में लगेगा ही नहीं या आपका मूड खराब हो जाएगा। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन खास ध्यान लहसुन प्याज से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें, याद रखिएगा। तीसरी चीज़, दक्षिण की ओर मुख करके आपको पूजा कतई नहीं करनी। शिव जी की पूजा दक्षिण में बिल्कुल स्वीकार नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आपका दक्षिण मुंह है और शिव की अभिषेक पूजा कर रहे हैं आपकी स्वीकार नहीं होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा आपको कंपस से देख लो कि भाई आप पूजा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कहीं दक्षिण मुख तो नहीं कर रहे। चौथा, जैसा मैंने कहा कि उस दिन आपको अपने माता पिता से वाद विवाद, गुरु से वाद विवाद, ब्राह्मण से वाद विवाद नहीं करना। कुछ लोग लड़ जाते हैं, पर आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में कतार होती है, महाशिवरात्रि के दिन में जल चढ़ाने की कतार होती है, पंडित जी से ही लड़ जाते हैं या आप अपने माता पिता से लड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उस दिन वाद विवाद से बचना है। चौथा, पांचवा अगर देखा जाए तो शंख से अभिषेक बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, शंख के अंदर जल डाल देते हैं, ओम नमः शिवाय करके कर देते हैं। तो शंख से अभिषेक करना महादेव की पूजा में बिल्कुल निषेध है। ऐसे में आपको पूजा का कोई फल ही नहीं प्राप्त होगा। तो शंख बजा सकते हैं, शंख की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, जब रुद्राभिषेक कर देते हैं शंख में पूरा का पूरा जो रुद्राभिषेक का जो सामग्री होती है, जो दूध से काले तिल से अभिषेक करते हैं, उसको शंख में भर के घर में छिड़क देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल निष्फल हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये 5 ऐसे मैंने आपको चीजें बताई है जो थोड़ा निषेध है, अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि 8 मार्च के दिन 3 काम करने से आपके करियर में बड़ी उन्नति हो जाएगी। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन 3 काम अगर आप करते हैं, करियर से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है या शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसमें एक प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, गुड़ का शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन आपको बनाना है। गुड़ को हल्का गर्म करके शिवलिंग की शेप दे के आपको बनाना है और घर में ब्राह्मण बुला के और शिवलिंग का पूजन करा लीजिएगा। संकल्प विवाह के लिए करा लीजिएगा, करियर के लिए करा लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो करियर में यकीन मानिए बड़ी ग्रोथ होगी। गुड़ के शिवलिंग का अगर आप पूजन और अभिषेक करेंगे, मैंने बहुत उसका अनुभव देखा है। या फिर आपके घर में शादी नहीं हो रही किसी की और अगर आप गुड़ का शिवलिंग बना के और उसका पूजन पाठ करते हैं तो उससे बड़ा आपको फायदा होगा। तो ये आप गुड़ का शिवलिंग बना सकते हैं। और दुर्भाग्य मुक्ति के लिए यदि घर के अंदर बैड लक चल रहा है, लोगों के काम ही नहीं बन रहे हैं या आपके काम 99% जाके अटक जाते हैं, बहुत बार बैड लक होता है, तो ऐसे में 21 धतूरे आपको गिनने हैं
और शिव मंदिर में जाना, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए एक एक धतूरा चढ़ाना है, तो उससे दुर्भाग्य से मुक्ति होती है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर वैवाहिक जीवन के अंदर पत्नी बीमार रहती है, मंगली दोष है, या फिर किसी तरीके से अनबन चल रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन 108 बिल्व पत्र गिन के पति और पत्नी दोनों जाएं, और दोनों जाने के बाद वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाते रहे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में ताज़ा चीज़ें आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी, और अगले दिन से ही आपको एक ऊर्जा का संचार होता हुआ नज़र आएगा। पति पत्नी भी कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी कर सकते हैं। तो ये तीन मैंने आपको प्रयोग बताए हैं जो महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने कर दिए तो आप देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में देख सकते हैं। अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।